नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रगति मीडिया। कोरोना के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ चढ़कर निकल रहे हैं, ऐसे ही कोरोना रिपोर्ट हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामले जहां लोग परेशान हैं, वहीं त्रिपुरा के एक अस्थाई केयर सेंटर टेम्परेरी केयर सेंटर में 31 मरीज के भागने की सूचना मिली है। अधिकारियों ने कहा है कि ये मरीज अलग अलग राज्यों में थे। फिलहाल पुलिस ने मरीजों का पता लगाने के लिए बड़े पैमाने पर खोज शुरू कर दी है। वहीं एक दिन पहले राज्य सरकार कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए अनिश्चित काल के लिए गुरुवार से अरकतला नगर निगम AMC क्षेत्र में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया था। SDPO अरविनंद दास ने बताया कि यह मरीज गुरुवार की सुबह अगरतला के बाहरी इलाके में अंदरुदिती नगर में पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान के कोविड केयर सेंटर से भाग निकले हैं। दास ने कहा है कि हमने रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों सहित सभी स्थानों को सतर्क कर दिया है। भागने वाले कोविड पेशेंट का पता लगाने के लिए तलाश जारी कर दी है। राइफलमैन के लिए इंटरव्यू देने पहुंचे थे ये व्यक्ति। एक स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि भागने वाले ये 31 पेशेंट उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान में राइफलमैन के रूप में भर्ती के लिए इंटरव्यू में भागने के लिए त्रिपुरा आए थे। हालांकि इस बीच राज्य सरकार ने राज्य में आने वाले व्यक्ति के लिए कोविड टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। राज्य में कोरोना के मामलों की बात करें तो फिलहाल राज्य में कोरोना के मरीजों की कुल संख्या 34,262 हो गई है। प्रदेश में 524 एक्टिव केस हैं और अभी तक 33,242 लोग ठीक हो चुके हैं, अस्पताल से डिस्चार्ज भी हो गए हैं। वहीं इस वायरस के कारण 391 लोगों की अब तक कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। देश में लगातार दूसरे दिन 3 लाख से अधिक कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज हुए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में 67,013 मामले और 568 लोगों की मौत दर्ज की गई है। राजधानी दिल्ली में गुरुवार को 26,169 नए केस आए और 306 लोगों की मौतें हुई हैं। धन्यवाद।